मित्रों प्रणाम, आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल ओम पर कार्यक्रम यंत्र मंत्र और तंत्र में। यंत्र मंत्र तंत्र में आज मैं आपको बताऊंगा भूत भगाने का झाड़ा और धुनिया। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप भूत भगाएंगे कैसे, आपको पता कैसे होगा कि भूत है? आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर आपको लगता है कि इसको भूत प्रेत है, आपको करना इतना है कि आप इस मंत्र को पढ़ें और एक धुनी दें, वो प्रेत वो भूत जो उसके ऊपर है ऊपरी हवा, वो स्वयं अपने आप अपना परिचय देगी और अपने आप बोलने लगेगी। लेकिन उससे पहले मित्रों सावधान, मैंने आपको बताया है इस तरह के माहौल में थोड़ा सा भयावह स्थिति हो जाती है, तो कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें। तो मित्रों देखिए अपनी स्क्रीन पर यह मंत्र, ओम धों धों ध्यान करता अलख यति हांक देत हांकार, तथा लत बोल बोल शब्द साचा। ओ ये मंत्र है, आप स्वच्छ होके नहा धोकर इस मंत्र को जब पढ़ेंगे, उससे पहले आपको अपने साथ में क्या सामान रखना है, हींग और लहसुन का रस। लहसुन का रस निकालिए, उसमें हींग मिलाकर उसकी धुनी दीजिए, अर्थात उपले पे या कोयले पे जलाकर वो लहसुन का रस और हींग मिलाकर उस पर डालिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उस धुनी को उस व्यक्ति के समक्ष रखिए, उसके नाक के पास रखिए। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति स्वयं बोलने लगेगा कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। ये मैंने अभी आपको जो बताया है कि भूत प्रेत बुलवाने का मंत्र है, कि वो अपना परिचय स्वयं देगा, उनसे आपको ये जानना है कि कौन है, तो उसके लिए मंत्र। अगला उपाय मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला उपाय भी धुनी, भूत भगाने की धुनी। ये भूत को बुलवाने की धुनी थी, अब आपको भूत भगाने की धुनी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मंत्र आपको जब आएगा वो मिलेगा। अब इसमें जो सामान प्रयोग में आएगा वो आपको लिखा हुआ दिखाई, गंध गुग्गल लाख लोबान दांत और सर्प की केचुली। दांत किसी भी जानवर का ले सकते हैं और साथ में पीड़ित के सिर का एक बाल ले। इन सभी चीजों को पीसना है, एक साथ उनको पीस कर जलाएं तथा उस व्यक्ति के समक्ष रखें जो इस प्रकार की बाधा से पीड़ित है। वो बाधा उससे कोसों दूर चली जाएगी, उसके पास आएगी ही नहीं। ये मैंने आपको विशेष प्रकार की धुनी बताई है, बड़ी सच्ची धुनी है। अगर आप इसको करेंगे तो तंत्र में इसका प्रयोग बड़ा शुभ फलदायक बताया गया है। अगली धुनी मित्रों, ये धुनी कैसे देनी है, ये थोड़ा सा कठिन उपाय है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब अश्विन नक्षत्र हो तब आपको घोड़े के आगे वाले पैरों के नाखून, घोड़े के पैरों में जो खुर होते हैं, अगले पैरों के दो खुर आपको चाहिए। उन खुरों को लेकर, एक मैं मंत्र बता रहा हूं आपको, उस मंत्र से अश्विन नक्षत्र में इन्हें सिद्ध करना है। देखिए मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ओम नमः शमशान वासिने भूतदीना कुरुकुरु स्वाहा। ओम इस मंत्र को आप अश्विन नक्षत्र 108 बार जाप कर सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करें, उसके बाद उनको जलाते हुए उन नाखूनों को एक उपले में या कोयले के साथ जलाएं और उसकी धुनी प्रेत बाधा ग्रसित मनुष्य को दें, तो वो मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो जाता है और प्रेत उसको छोड़कर चला जाता है। तो मित्रों ये मैंने अभी आपको बताया है भूत बुलवाने के लिए और भूत झाड़ने का तरीका। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा, मुझे सूचित करिएगा अपने कमेंट्स के द्वारा और लाइक्स के द्वारा।
आप लोगों ने जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा सब्सक्राइब करें चैनल, और देखते रहें ये कार्यक्रम जिसका नाम है तंत्र मंत्र और यंत्र। हम आपके लिए कुछ नया प्रयोग अगली बार फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।